पल पल सुनहरे फूल खिलें, पल पल सुनहरे फूल खिलें, कभी ना हो कांटों से सामना, जिंदगी में आपकी खुशियां भरी रहें, यही है हमारी शुभकामना। मकर संक्रांति की आप सभी दर्शकों को समय जगत टीम की ओर से हार्दिक शुभकामना। नसरुल्लागंज, स्वामी विवेकानंद जयंती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिसर द्वारा एक साइकिल रैली निकाली गई। रैली नगर के तरुण पुष्प हायर सेकेंडरी स्कूल से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य प्रमुख मार्गों से होते हुए तरुण पुष्प हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। इसके उपरांत तरुण पुष्प हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम माँ सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिसर के नगर अध्यक्ष रवि पवार ने बताया है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर साइकिल रैली निकाली गई है, जिसमें सभी विद्यालय और महाविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद थे। रैली का उद्देश्य था कि प्रति सप्ताह एक दिन साइकिल चलाई जाए, ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें और जो हमारे देश में जो प्रदूषण हो रहा है हम उसे बचा सकें। विद्यालय और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया कि जो भारत में साइकिल का चलन जो खत्म हो गया है वह वापस से शुरू हो सके और विद्यालय महाविद्यालय एवं भारत के नागरिक साइकिल को सप्ताह में एक दिन जरूर चलाएं। कार्यक्रम को तरुण पुष्प सागर हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक आरवी मालवीय ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का बड़ा आदर्श जीवन जीने के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता है। विद्यार्थी काल की कई रोचक घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बच्चों को उनके पथ चिन्हों पर चलने के लिए संकल्पित होने की भी बात कही। साथ ही कुशाग्रता, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से जीवन को बड़ी बड़ी सफलताओं को अर्जित किया जा सकता है। वहीं कार्यक्रम में भाजपा नेता आशीष शर्मा सहित छात्र छात्राएं उपस्थित थे। भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर अध्यक्ष भेरिंगा, आज जो रैली निकाली गई थी इसका क्या उद्देश्य था? आज जो रैली निकाली गई थी उसका उद्देश्य था कि हम दिन प्रति सप्ताह एक दिन साइकिल चलाएं, ताकि पर्यावरण को हम बचा सकें और जो प्रदूषण हो रहा है हमारे पूरे देश में उसको बचा सकें, और साथ ही विद्यालयीन और महाविद्यालयीन छात्रों को एकत्रित करके और हम उनको संदेश दे सकें, ताकि पूरे भारत में एक साइकिल का जो साइकिल का चलन खत्म हो गया वो वापस से शुरू हो सके। विद्यालयीन महाविद्यालय नहीं, समस्त नागरिक जो भारत के हैं वो सभी साइकिल का उपयोग करें, एक दिन सप्ताह में एक दिन तो उसका साइकिल का उपयोग करें। और साथ ही रैली नगर के तरुण पुष्प हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू की गई थी और नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए तरुण पुष्प स्कूल में समापन किया गया था, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ। खबर समय जगत के लिए नसरुल्लागंज से हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।